दोस्तों ये है हमारा फाइकस का प्लांट जो बनाया है चार प्लांट को एक साथ जोड़कर। आप देख सकते हैं कि चार प्लांट हमने लगाए हैं, ये नीचे से आप देखें ये चार प्लांट लगे हैं, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, इसी तरह से दो प्लांट हमारे ये रहे। इन सभी को जोड़कर हमने एक खूबसूरत सा प्लांट बनाया है और अब ये काफ़ी डेवलप हो चुका है क्योंकि ये सारी ब्रांचेस लगभग इसकी जो हैं वो जुड़ गई हैं एक दूसरी ब्रांच के साथ। तो अब चूंकि ये एक प्लास्टिक के पॉट में लगा था तो इसकी जड़ें भी काफ़ी फैल चुकी हैं और ये हमारा पॉट जो है ये भी बिल्कुल बोगस हो चुका है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे एक दूसरी बोनसाई ट्रे में जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी तरह चल सके और ये हमारा प्लांट और अच्छी तरह से ग्रोथ करे। तो इसको चलिए रिपोर्ट करते हैं एक बोनसाई ट्रे के अंदर। दोस्तों लगाने के लिए हमने ली है 10 इंच की बोनसाई ट्रे और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 6 इंच की इसकी ऊंचाई होगी, तो इसमें काफ़ी मिट्टी भी आ जाएगी, तो इसलिए ये जो पॉट है ये हमारे प्लांट के लिए अच्छा रहेगा। और मिक्सचर तैयार करने के लिए हमने लिया है ये 40% के आसपास मिट्टी है, 40% के आसपास गोबर की खाद है और 20% के आसपास हमारा ये कोकोपीट है। तो इन सब को हम मिलाएंगे और उसके बाद अपने प्लांट को लगाएंगे। तो दोस्तों मिट्टी हमारी तैयार है, अब हम चलते हैं अपने पॉट को लगाने की तरफ। दोस्तों 2 इंच के आसपास पहले एक मिट्टी की लेयर हम नीचे बिछा लेंगे। इसकी दोस्तों थोड़ी जो मिट्टी है साइडों से वो हटा देंगे जिससे कि एक तो जड़ें थोड़ी लूज़ हो जाएं और ये हमारे पॉट में बिल्कुल फिक्स आ सके। तो दोस्तों अपना प्लांट जो है वो हमने गमले में रख दिया है, अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे और मिट्टी को बिल्कुल बारीकी से भरना है जिससे कि कहीं भी गमले में एयर पॉकेट्स ना रहें, क्योंकि एयर पॉकेट्स से हमारे प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है। एक तो पानी उसका सारा जो भी पानी होता है वो नीचे के होल से निकल जाता है, दूसरी बात यह है कि उसमें फंगस लगने का ख़तरा रहता है। तो किसी भी कोई आपके पास टूल्स हो उसकी मदद से आप मिट्टी को बिल्कुल नीचे तक पहुँचा सकते हैं। दोस्तों हमारा प्लांट लगकर तैयार है, अब हमारा काम है फाइनल स्टेप जो होता है कि पानी डालना। तो इसमें एक बार अच्छी तरह पानी डालेंगे और उसके बाद इसको कुछ दिनों तक, जब तक कि दोबारा से अच्छी तरह ग्रोथ शुरू नहीं करता, थोड़ा शेडी एरिया में रखना पड़ेगा जिससे कि इसकी नई ग्रोथ आसानी से स्टार्ट हो। तो इस तरह से हम कोई भी प्लांट रिपोर्ट कर सकते हैं। ये तो एक हमारा बोनसाई टाइप का एक पेड़ था, लेकिन कोई भी प्लांट हो इस तरह से आसानी से रिपोर्ट किया जा सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।